सभी भाइयों को जय देव, जय माँ भवानी और जय छात्र धर्म। तो भाइयों, एक तरफ पृथ्वीराज मूवी में क्षत्रिय सम्राटों का अपमान किया जा रहा है और दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान जी के वंशजों द्वारा नोएडा में आज भव्य रैली निकाली गई। तो भाइयों, बहुत सारे लोगों ने और प्रशासन ने पूरा दम लगा दिया इस रैली को असफल करने की, लेकिन वहाँ पर सभी वंश के क्षत्रिय इकट्ठा हुए। ग्रेटर नोएडा के बाटी 6084 से तोमर सिसोदिया और नोएडा के चौहान क्षत्रियों ने बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर रैली निकाली। तो भाइयों, हम आपको बताना चाहते हैं कि नोएडा में चौहानों की 24 ही है, मतलब कि नोएडा में 24 गांव चौहान राजपूतों के हैं। तो भाइयों, जो इतिहास चोर बात करते हैं उनके दिल्ली के आसपास गांव चौहानों के मिलते ही नहीं। आपको हम बता दें कि हरियाणा में पंचकूला, जमुना नगर, ये सब अंबाला चौहानों के सबसे ज़्यादा गांव हैं। हरियाणा में ही 300 से ज़्यादा गांव चौहानों के हैं। इसके अलावा महाराजा नंगवाल तंवर के वंशजों के गाँव हैं जो कि 100 से ज़्यादा है। और आप खुद हिसाब लगाओ कि दिल्ली के पास ही गाजियाबाद में 6084 है, जहाँ 84 गांव तोमर राजपूतों के हैं। तो भाइयों, ये लोग इतिहास चोरी करते हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद भी क्षत्रियों की धरती है। ग्रेटर नोएडा जो जेवर का MLA है वो ठाकुर धीरेंद्र सिंह बाटी है। बाटी राजपूतों के 100 से ज़्यादा गाँव हैं जो कि बुलंदशहर तक शामिल है। तो भाइयों, जहाँ पर गाजियाबाद से लेकर बुलंदशहर खुजरा तक क्षत्रियों की एक बहुत बड़ी आबादी है, लेकिन पहले इनको मानसिक गुलाम बनाया गया था, लेकिन अब ये मानसिक गुलामी की जंजीरों को ख़त्म करना चाहते हैं। तो भाइयों, नोएडा का MLA भी एक ठाकुर है जो कि राजनाथ सिंह के बेटे हैं। वो बात अलग है कि वो क्षत्रिय समाज के लिए कभी आगे नहीं आते। उनको क्षत्रियों ने बोला कि जहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति लगवाई जाए, लेकिन अभी उन्होंने नहीं लगवाई। और पृथ्वीराज चौहान के बच्चों के द्वारा वहाँ पर हर गाँव में पृथ्वीराज चौहान जी के बोर्ड लगवाए जा रहे हैं। इसके अलावा गाजियाबाद का जो MP है वो भी एक तंवर राजपूत है, जिसका नाम है BK सिंह तंवर, जो कि 6084 के वोटों से जीता है। तो आप हिसाब लगा सकते हो कि क्षत्रियों का कितना वर्चस्व है, लेकिन क्षत्रिय नेता कभी भी हमारे हक की बात नहीं करते। तो भाइयों, इतिहास चोरों का प्रोपगंडा फेल हो चुका है। तो भाइयों, जैसे कि आप जानते हो कि पृथ्वीराज मूवी में क्षत्रियों का अपमान किया गया, लेकिन अब पृथ्वीराज मूवी आप ट्विटर में जाओगे तो ट्रेंड कर रही है, शुरू से ट्रेंड हो रहा है, और उसमें आप जाओगे तो राजपूत नज़र आ रहा है। मुंशी चिल्लर ने भी राजपूत बोला, क्योंकि ये मूवी फ्लॉप हो रही है, क्योंकि इसमें क्षत्रियों का अपमान किया गया, जौहर अच्छे से नहीं दिखाया गया, राजा जयचंद का अपमान किया गया। इस फिल्म में कुछ भी अच्छा नहीं बताया गया, इससे तो पद्मावत फिल्म 10 गुना अच्छी थी।